मथने बंद है गुरुदेव. गुरुदेव, जैनिज्म में सामायिक और प्रतिक्रमण का इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? जैनिज्म में साधना का महत्व इसलिए दिया जाता है कि साधना के कारण ही शुद्धि होती है और साधना हमारी शुद्धि का एक सत निमित्त होता है. साधना हमारी शुद्धि का एक सत निमित्त होता है. जब भी कोई व्यक्ति उत्कृष्ट कक्षा की साधना नहीं कर पाती, इतना समय नहीं है उसके पास, इसलिए उसको एक मुहूर्त के रूप में 48 मिनट के रूप में एक छोटी सी साधना करा के उत्कृष्ट साधना के अंश की अनुभूति कराई जाती है और ये अनुभूति के लिए सामायिक का महत्व बताया गया है. अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों की विशुद्धि करने के लिए प्रतिक्रमण का भी इतना महत्व दिया है. भगवान ने कहा शुद्धि होनी भी चाहिए और अशुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, शुद्धि की वृद्धि होनी चाहिए और अशुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, क्षमा भाव भी बढ़ना चाहिए और क्रोध भाव भी कम होना चाहिए. क्रोध को कम करने का उपाय है प्रतिक्रमण और क्षमा को बढ़ाने का उपाय है सामायिक. शुद्धि को बढ़ाना वो सामायिक है और अशुद्धि को कम करना वह प्रतिक्रमण है. इसलिए दोनों एक दूसरे से सापेक्ष है और सापेक्षता के कारण शुद्धि स्ट्रांग हो जाती है. तो मैं ये भी सचूंगा.